नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स। तो यार इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्पीड गन। स्पीड गन क्या होती है कि भाई आप हाईवे में सब ट्रैवल करे होंगे, ठीक है। अब जब गाड़ी चलती है या कैमरेज होते हैं सामने, बोलते हैं ना हम, ये भाई स्पीड वाले कैमरे हैं, ये डिटेक्ट कर लेंगे आपकी स्पीड कितनी है और फिर उस हिसाब से चलान जो है, अगर आपकी स्पीड उस थ्रेशोल्ड से, उस लिमिट से ज्यादा हो तो आपके घर पे आ जाता है भाई फाइन या फिर चलान। तो वैसे ही हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं जो कि इतना एक्यूरेट तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट स्पीड बता पाए किसी व्हीकल की या फिर किसी चीज की, बट ठीक है यार, हमारे पास जो अवेलेबल है आर्डुइनो अवेलेबल है और जिस पर हम गेम खेलते ही हैं, और जो सेंसर अवेलेबल है HCSR04 उससे हम बनाने वाले हैं। तो सेंसर हम दो भी, कोई भी यूज कर सकते हैं, IR सेंसर भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें हमें दो की जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। तो सबसे पहले तो यार मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा। ये देख सकते हो ऐसा कुछ छोटा सा ये डिवाइस होगा, 9 वोल्ट की बैटरी पे काम करेगा एंड यहाँ से ये स्पीड जो है, इस पे जितनी स्पीड सामने से आएगी हम इसको ऐसे करके रख देंगे एंड सामने जो भी ऑब्स्टेकल होगा, जो भी सामने से जो व्हीकल होगा उसकी ये स्पीड डिटेक्ट कर लेगा कितनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा ऐसा डिवाइस बनाया मैंने अभी और ये प्रोजेक्ट अभी हम बनाने वाले हैं, कैसे सीखेंगे कैसे बनता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बात आती है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर हमें पता है कि वो डिस्टेंस को नापता है, ठीक है, वो लाइव डिस्टेंस नापेगा एंड वो भेजता रहेगा आर्डुइनो को या किसी और माइक्रोकंट्रोलर को भेजता रहेगा। तो हमने गेम क्या करी इसमें कि हम दो डिस्टेंस ले लेंगे, D1 D2 मान लो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ले लो S1 S2। तो हम दो डिस्टेंस लेंगे, मान लो एक बार 30 सेंटीमीटर पता, एंड हम उसका एक इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ले लेंगे उस दो, मतलब मान लो इधर इधर से मैं इधर लेके आया, राइट, तो मैं इधर से इधर 30 सेंटीमीटर था और इधर 29 सेंटीमीटर हुआ, राइट, 30 से 29 कितना सेंटीमीटर का गैप आया, 1 सेंटीमीटर का। तो डिस्टेंस मेरा हो गया 1 सेंटीमीटर और टाइम ये नोट कर लेगा भाई कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में हुआ, आधा सेकंड, कितना नैनो सेकंड लगा, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कोड में, प्रोग्राम में हम इसमें निकाल देंगे हमारा स्पीड। सो स्पीड होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड पे होगी, इसको आप चेंज भी कर सकते हो यार प्रोग्राम में डाल के, कन्वर्जन कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। अभी फिलहाल मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड रखी पड़ी है। तो जैसे मान लो ये है, ठीक है, मैंने ऐसे करा तो अभी इधर डिस्टेंस था इधर डिस्टेंस था, दोनों का डिफरेंस ले लेगा, टाइम नोट कर लेगा, स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेगा फॉर्मूला अंदर कोडिंग में, जो हमारे प्रोग्राम आर्डुइनो यूज किया ना उसमें अंदर प्रोग्राम में हम डाल लेंगे एंड देन हमारा निकल जाएगा बड़े आसानी से डिस्टेंस। तो काफी अच्छा एक यूनिक प्रोजेक्ट है और काफी एक सस्ता प्रोजेक्ट है, ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है और एक अच्छा मतलब माइनर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो आराम से, अगर बिगिनर हो ऐसे नॉर्मली बनाना है तो वो भी कर सकते हो। चलो देखते हैं बनता कैसे है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक आर्डुइनो यूनो है, हालत खराब है थोड़ी पर इट्स ओके, ठीक है, हमें पुरानी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। तो मैं पुराना आर्डुइनो यूज कर रहा हूँ अपना, इसको मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी कर लिया, बट मैं आपको बता दूंगा, मैं प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ कोड डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको असेंबल करना सिखा रहा हूँ सर्किट को। तो ये मेरे पास है 16x2 की LCD, ये भी पुरानी है, रीयूज करी हुई, ठीक है, तो यूज करी हुई पुरानी LCD। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे एक जीरो PCB या वेरो बोर्ड कहते हो उसको आप, जीरो PCB कहते हैं ज्यादातर। और यहाँ पर मेरे पास है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर जो कि HCSR04 है, आप देख सकते हो। तो ये दो रख लिया, इनके से काम नहीं करेगा तो दूसरा लगा लेंगे, ठीक है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं यार, सर्किट लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पिंस जो है थोड़ी सी ठीक ठाक ही है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे चिपका दूंगा रादर देन इसको पूरा सोल्डर वोल्डर करके इंतजाम करने की जगह। तो चलो यार करते हैं फटाफट काम शुरू। LCD जैसे आपको पता है ये होती है, पहली इसकी होती है पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी हमारी जो है इनपुट पे लगती है, तीसरी वाली इनपुट पे लगती है हमारे टोन की, तो अभी मुझे टोन की जरूरत पड़ेगी। चौथी लगती है तुम्हारी RS होती है, इनेबल RS होती है शायद, हाँ RS होती है, RS पिन होती है, फिर RW पिन नेगेटिव लगती है, फिर इनेबल पिन दोबारा तुम्हारी आर्डुइनो पे लगती है, एंड फिर 4 का गैप होता है, फिर D4 D5 D6 D7 तुम्हारी डेटा पिन होती हैं जो कि लगती है आर्डुइनो पे अगेन, एंड प्लस नेगेटिव हमारी बैकलाइट के लिए होती है एनोड कैथोड। तो यार लगाते हैं जल्दी से इसको, ठीक है। तो इसकी जो पहली वाली है उसको हम कनेक्ट कर देंगे फिलहाल, कैसे
गरम लग गया। ये देखो यहाँ पे जल गया भाई हाथ, गरम गरम सोल्डर टपक के गिरा इसमें से। चलो कोई बात नहीं। पहली मैंने बताई थी यार वो वाली है ग्राउंड, VSS लिखा हुआ है, ग्राउंड है। सेकंड पॉजिटिव, थर्ड जाएगी तुम्हारी ये जो टोन पे लगाई है ना, टोन की बीच वाली, वो थर्ड पे जाएगी। एंड चौथी तुम्हारी है RS, ये तुम्हारी जाएगी भाई आर्डिनो पे। पांचवी RW पे जाएगी, तो पांचवी पे मैंने ग्राउंड लगानी है। ये जो टोन है, टोन की बीच वाली है राइट, यानी ये पर्पल वाली, पर्पल ही लग रही है ना, हाँ पर्पल लग रही है। तो मैं पर्पल वाली को दिखाता हूँ थोड़ा दूर से, हाँ इतना शायद ठीक है। तो मैं पर्पल वाली को लगा दूंगा तीसरे नंबर पे, और एक कनेक्शन भी हो गए उसका, होगा ना लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड टोन का, ये पॉजिटिव होता है और बिल्कुल आखिर वाला राइट साइड होता है नेगेटिव, ठीक है। बट इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, अभी इसकी तारें थोड़ी खुली छोड़ देते हैं। सब नेगेटिव कनेक्ट करनी थी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम खुद ही देख लें तो ये आखिरी पिन लिखी हुई है नेगेटिव, तो ये 16वां पिन नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं अभी। अब हमारी नेगेटिव कनेक्ट हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं इसको एक और नेगेटिव देते हैं, ओ सॉरी पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं अब। तो पॉजिटिव कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो आखिरी वाली है ये पॉजिटिव है, अब मैंने पॉजिटिव भी कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब हमें आर्डिनो से भी आर्डिनो को भी देनी है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं इनमें से LCD में से ना एक दोबारा निकाल दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि आर्डिनो के साथ मैं कॉमन कर सकूं उसको, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं, थोड़ी थोड़ी काट लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा वायर ली है, तो मैं नेगेटिव को ऐसे नेगेटिव के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दी, पॉजिटिव पॉजिटिव में जोड़ दी, नेगेटिव नेगेटिव में जोड़ दी, और ऐसे दो मैंने निकाल दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बीच में से काट लेंगे, अब मैं क्या करूंगा इसका जो पॉजिटिव था ब्लू वाला उसके LCD के पॉजिटिव पे लगा दूंगा राइट, LCD के पॉजिटिव फालतू काट देते हैं। इसका ब्लू वाला पॉजिटिव है तो मैं ये LCD के पॉजिटिव पे लगा दूंगा, तो LCD का पॉजिटिव था ये वाला, ये मैंने लगा दिया पॉजिटिव, और अब मेरे पास नेगेटिव बचा, नेगेटिव को मैं नेगेटिव से लगा दूंगा। ओके, अब हमारी बच गई यार दो तारे, जो कि हमारी आर्डिनो की तारे हैं, जो कि आर्डिनो पे लगनी चाहिए लिहाजे से, जो कि एक एनेबल और एक RS बच गई है। तो इसके लिए भी मैं अगेन एक वायर का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एक वायर को मैं फोर्थ और सिक्स्थ पिन पे लगा दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लगाना, बट ठीक है, आप थोड़ा बहुत करते हो तो लगा सकते हो आराम से। और अगर नहीं भी है तो भाई इस पे जम्पर, इस पे बग कनेक्टर्स कनेक्ट करो और जम्पर वायर्स लगा दो, सबसे इजी तरीका होता है वो। ये देखो ये रहा फ्लक्स, और इसको हल्का सा ऐसे, क्या बात है क्या बात है। तो अब हम लगा देंगे डेटा पिंस, तो भाई मैंने अभी क्या किया है, मैंने इस पे PCB पे सोल्डर कर दिया है ये चारों पिंस को, यहाँ पर देख सकते हो ऐसे पिन सोल्डर कर दिए हैं इसकी अल्ट्रासोनिक सेंसर की। अब मैं आर्डिनो पे कनेक्शन करने वाला हूँ, उससे पहले क्या करूंगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक बारी मैं निकाल लेता हूँ,
एंड उसको कॉमन कर देता हूँ आर्डिनो के साथ और हमारे एलसीडी के साथ। इसकी तारे निकाल के ब्लैक वाली जो कि हमारी हो जाएगी वीसीसी और ग्राउंड हो जाएगी हमारी ऑरेंज। तो ये जो दो तारे बची हैं हमारे पास ये हमारी सिग्नल पिन्स हो जाएंगी जो कि एको एंड ट्रिगर रिस्पेक्टिवली राइट। तो द ब्लैक वन इज वीसीसी, तो मैं वीसीसी को वीसीसी से कनेक्ट कर दूंगा। वीसीसी यानी पॉजिटिव पिन होती है, तो आपको जैसे पता है कि इसकी जो ब्लू वाली पिन है लेफ्ट वाली वो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ पावर लाइन्स लगा रहे हैं, पावर वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ऑरेंज वाली अपनी थी नेगेटिव, तो हमें सारे सेंसर और कंपोनेंट्स के पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन करने होते हैं। तो ये मेरा शायद आ गया, हाँ ये मेरा जो इसकी बिल्कुल आखिरी पिन है ग्रे वाली वो अपना हो जाएगा नेगेटिव पिन या ग्राउंड कह सकते हो उसको आप। के अलावा अब मुझे आर्डिनो के पॉजिटिव नेगेटिव भी कनेक्ट करने हैं इससे, तो मैं एक और दो वायर्स लूंगा। इसके बाद हमारे सिर्फ सिग्नल पिन का कनेक्शन बच जाएगा, हमारी जो पावर देने वाली बात होती है वो सब हो चुका होगा। फिर हमें सिर्फ कनेक्शन देने होंगे सिग्नलिंग के लिए, जो सिग्नल होगा हमारा जिससे लॉजिक ट्रांसफर होगा, सिग्नल ट्रांसफर होगा, वो वाले कनेक्शन देने होंगे। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाऊंगा, तो यहाँ से अगर मैं मान के चलूँ तो ये VIN होता है, ये तुम्हारा ग्राउंड होता है, ये तुम्हारा ग्राउंड होता है, एंड देन यहाँ पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पेक्टिवली मैं ऐसे लगा दूंगा, ग्राउंड हो गया। अब मैं लगा दूंगा पॉजिटिव यानी 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट मैंने ऐसे करके लगा दी राइट। तो अच्छे सोल्डर लगाए काफी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं इस पे लगा दूंगा ऐसे करके, इसको छील के जहाँ पे मैंने सारे पॉजिटिव नेगेटिव लगाए हैं। तो ब्लैक वाला मुझे याद है कि ये पॉजिटिव था, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव में मैं रिस्पेक्टिवली लगा दूंगा। तो इसके बाद अब मुझे इस पे फ्लक्स लगाना है, होल्डर कर देते हैं इसको क्योंकि अब पावर रेल सारी हमने कनेक्ट कर दी है, अब कोई कनेक्शन बचा है नहीं एज सच। अब हमारी बची सिग्नल्स की, तो सबसे पहले तो हम यार एक काम करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के लगाते हैं, ठीक है। कनेक्शन में आपको बता देता हूँ क्या, तो ट्रिगर पिन को, इसकी जो ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन कौन सी है, ये रही ट्रिगर पिन, ठीक है, जो ये वाली ब्राउन है, ये 9 नंबर पे जाएगी आर्डिनो के, और जो एको पिन है 10 नंबर पे जाएगी आर्डिनो के। ट्रिगर 9 पे, एको 10 पे, 9 नंबर पे मैंने लगा दी। अब दूसरी जो बची हुई है मैं 10 नंबर पे लगा दूंगा, परफेक्ट। तो जो RS पिन है यानी कि LCD की, यहाँ से कौन सी बताऊँ मैं, 1, 2, 3 और 4 चौथी पिन वो जाएगी 12 नंबर पे, ठीक है। अब जो हमारी एनेबल पिन है यानी छठी पिन वो जाएगी 11 नंबर पे। हमारी बची डेटा पिन्स, तो यार जो डेटा पिन्स है D4 से अगर मैं मानूं तो वो जाएगी 5, 4, 3 और 2 में। तो अगर मैं इसको अगर सीधा करूं LCD को, तो D4 कौन सी है मेरे लिए, D4 ये वाली है, यहां से स्टार्ट है ना 1 से, एक मिनट पास से दिखाता हूं। तो अगर यहां 1 से स्टार्ट है ना, तो D4 कौन सी हो गई, ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली मेरी जाएगी 5 नंबर पे, उसके बाद 4, 3, 2 ओके। चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से, एंड 2। तो यार कनेक्शन तो सारे हो गए हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। तो पावर करने के लिए फिलहाल तो मैं USB केबल का यूज करूंगा, देन उसके बाद देखते हैं कैसे हम पावर करते हैं इसको। तो मैंने चार्जर पे ये B-type USB केबल लगा दिया जो Arduino कंपैटिबल है, एंड इसको मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूँ, लेट्स ट्राई, कुछ तो हुआ,
कि इसका पोर्ट ढीला है। आ गया, यस। बहुत मुश्किल होता है भाई मेरा एकदम। चलना ये लो, ऐसे तुम्हारा स्पीड आती रहेगी। ये देखो देखो, जो सामने ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड आती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। इसमें कई सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती है, अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। बजर लगा सकते हैं हम, जैसे कि लाल हो जाए एलईडी, जैसे आजकल एक्सप्रेस वे में लगा होता है कि एलईडी लाल हो जाती है एकदम 100 किलोमीटर पर आवर से तेज हुई स्पीड। तो कई सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगली वाली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज भाई, ये पैसे लगते हैं इनमें यार प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, ये एक मत रिक्वेस्ट मान लो कि भाई इन सब प्रोजेक्ट में पैसे लगते हैं, इन सब प्रोजेक्ट में यार, ये रिक्वेस्ट मान लो यार प्रोजेक्ट में पैसे लगते हैं, तो थोड़ा तो करवा दो भाई, कर दो यार लाइक। तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।